कैसा था राइडर? अरे वाह क्या बात है, बाल ज्यादा बड़ा हो गया दादा, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। कहाँ बैठना है? उससे बढ़िया छत पर बैठ जाता आप, ऊपर ही बैठ जाता। বলবো নিয়ে টানছো তুমি, আমাদের এটাও কম বলবো না, আমরাও টানতে পারি, বাইকের সার্ভিস নেই ভাই, মারা বাইক এর কন্ডিশন খারাপ হে কে করে, আর আমার নামে জানা পড় রে শেখর দাদা। হ্যাঁ আজ ডেভিডসন যাতে চলা রা যাচ্ছে বেঠা হ্যাঁ আমি যা রা মে ভি শামন ভাই রো মেউল কা ডাস্টার মে দে দিয়া কার মে দে দিয়া। गुड मॉर्निंग गाइस, दोनों का काम यही है आज। दोनों से बैग पैकिंग करना, उतरना और उठाना। तो इधर से फिलहाल हम दोनों जा रहे हैं, अभी आरजे 14 में जाके मिलना है भाई को। मैं मेहुल का डस्टर में दे दिया, उनका गाड़ी में जा रहा है, तो लगेज वगैरह पूरा डाल दिया मैंने उसमें। बाद बाकी बाइक में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और लगभग आ गए हम। ए इधर खड़ा है सब लोग, हा हा हा। क्या हाल है? कैसे हो? सामान वामान कहाँ भाई? दे दिया। क्या हाल है? बढ़िया। बहुत दिन बाद अंकल जी, बहुत अच्छा लगा यार। भाई बस बढ़िया, क्या हाल है दादा? कितना बजे आया? 5:55। अच्छा अच्छा, देखो ये होता है राइडर, सुबह आके बैठा है सब लोग और हम इतना देर में आया। नहीं मैं तो सुबह उठ गया था, मेहुल नहीं उठा था ना, उनको जाके उठाया, घर पे गया। उठ गया क्या अब तो? हाँ आ गए वो लोग भी आ गए इतना देर में, ये तो गलत बात। ये तो गलत बात है, हम लोग पहले आ गया, अब इतना देर कर रहा है। 4 बजे को उठा हो तो मैं भी तो उठा हूँ, मैं तो मेवल का चक्कर में बैठा हूँ उधर। नहीं, बहुत टाइम नहीं लगा। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपका फोन का इंतजार कर रहा था, मैं सुबह उठ गया था। मैं ऐसी लग रहा है पूरा खेती बाड़ी लेके आया आप। ये देखो क्या लिखा है। वाह बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात। सॉरी गर्ल, माय वाइफ इज वेरी स्ट्रिक्ट। क्या बात, ऐसे ही होना चाहिए। तो भाई लोग, मुझे अभी लेना है पेट्रोल, क्योंकि मेरा बाइक का पेट्रोल नहीं है, भैया का भी नहीं है, तो हम दोनों जा रहा है पेट्रोल पंप। लगभग टाइम बता दो यार। देखता हूँ, ये गलत बात है भैया। नहीं नहीं नहीं, आपको बिना मन नहीं लगेगा, आपको तो आना ही है। चलो इतने लेट कैसे हो गया आप? अरे थोड़ा सा वैसे ही, कोई काम था ना, ऐसे ही उठने में देर हो गया था। नहीं नहीं, उठने में देर तो नहीं हुआ, तो मैं हाँ मतलब उठने में 6:45 उठा था। अच्छा अच्छा। अरे रात को यार सो गया था, नींद नहीं आ रही थी 1:30-2 बजे तक। मैं तो 2:30 बजे सोया है, 2:30 बजे में। चले दादा लाइव आ रहा है? हाँ मैं। अच्छा आप चलो जोड़े जोड़े जोड़ दे, चलो चलता है। राइड स्टार्ट कर लिया हम लोगों ने। सिग्नल सिग्नल, इतना सिग्नल अच्छा नहीं लगता। चलो हार्दिक के साथ कंपटीशन करो, ऐसी तो हमारा बच्चा बाइक है, ऐसी लग रहा है कोई एरोप्लेन लेके जा रहा है।
भाई जा रहा है BMW में, मैं जा रहा हूँ मेरा KTM में, आगे बाप भैया जा रहा है हार्ली में, पीछे गौरव भैया है बुलेट में, उसका पीछे नितेश भैया है उनकी हिमालयन में। तो हम अभी इधर से इतना सारा राइडर जा रहा हूँ, आगे उन लोग वेट कर रहे हैं, उनको साथ अभी जाके मिलना है। हमारा साथ एक कार भी है, तो मेरा लगेज वगैरह जितना भी सामान वगैरह था बैग वगैरह सब गाड़ी में डाल दिया, बाद बाकी मैं सिंगल जा रहा हूँ, भाई को भी बैठा दिया कार में। अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है अकेला सिंगल चलाने में, क्या ना पीछे बैठ के बैठता है कोई तो इतना लॉन्ग टूर पर अच्छा नहीं लगता, सिंगल इज द बेस्ट। हमें निकल गया क्या? तो भैया का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, हेलमेट के ग्लास निकल गया था, ऐसे ही खुल गया, टूटा नहीं, अगर टूट जाता तो जोड़ना मुश्किल हो जाता अभी। तो जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, हम जब भी रास्ता में निकलता हो तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, तो अभी भी बस मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो निकलते निकलते भैया का हेलमेट के ग्लास खुल गया, चलते चलते निकल गया। अब वो तो किस्मत अच्छा है तो टूटा नहीं, अभी खुला है, तो अभी फिलहाल रेडी कर रहा है ये है। वाह, एक एक करके लाइन आप जा रहा है, शाबाश शाबाश, चलो चलता है यार। दोस्तों पहली बार मैंने ग्रुप राइड में निकाला लॉन्ग रूट पे, क्योंकि इतना दिन से मैं सिंगल सिंगल राइड करता हूँ, तो कभी ऐसे ही कभी किया नहीं, तो ये है कि वो है आगे दो तीन बाइक है, तो दोनों बहुत ही अच्छा है। और बात बाकी जितना भी राइडर थे सभी एक्सपीरियंस राइडर है, आगे जाता हूँ चलता हूँ उधर। एक एक करके अप डाउन हो रहा है, जाओ BMW निकल गया गौरव दादा, शेखर दादा हार्ली डेविडसन जैसे चला रहा है, जैसे बैठा है कुर्सी में बैठा है, जबरदस्त बाइक है। मतलब अगर इसका अगर फील लेना है तो वाओ, रोड को साथ साथ कितना वंडरफुल नजारा है, रोड को साथ साथ बहुत अच्छा नजारा है आसपास का। आराम आराम से जाना पड़ रहा है, 100 से ऊपर स्पीड हो रहा है, तो ऐसे लग रहा है चाका खुल जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सकाल सकाल बैरिए भले ही लगते, पानी कटा भलो वेदर, और साथ हार्ली डेविडसन BMW पीछे और दो तीन बाइक है, सबाई एकसाथे राइड करते खूब मजा होती, कारण ना प्रथमवार আমি এরকম গ্রুপ রাইডে বেরিয়েছি, কারণ এতদিন ধরে সিঙ্গেল সিঙ্গেল রাইড করতে করতে বোর হয়ে গেছে, তো ফার্স্ট টাইম গ্রুপের সাথে রাইড করছে। আর আমাদের ফাইনাল ডেস্টিনেশন হিমাচল প্রদেশ, আজ আজ রাতে আমরা চণ্ডীগড় স্টে করব, দেন কালকে আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে যাব সকালে। বল বলিয়ে টানছো তুমি, আমাদের এটাও কম বলবো না, আমরাও টানতে পারি, বাইকের সার্ভিস নেই ভাই, নাহলে আমরাও রেস করতে পারতাম তোমার সাথে। বলবো শুধু থাকলেই হয় না, চালানোর জন্য ড্রাইভারও দরকার হয়, এসব আমার কাছে দরকার। দাদা হার্লি তো টানছে, একটু আসতে টানো দাদা, ও দাদা আমার KTM বাইকের সার্ভিস নেই দাদা, এত দূরে যাচ্ছ আমি পিছন পিছন কি করে থাকবো তোমার। तो हम अभी रेस्टोरेंट पे हूँ, अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना है, क्या ना सुबह से लेकर 4 बजे से राइड कर रहा हूँ, 4 बजे नहीं 6 बजे से राइड कर रहा हूँ, अब तक अभी कितना बज गया पता नहीं, 2-3 घंटा से राइड कर रहा हूँ, अभी तक कुछ खाया भी नहीं पिया भी नहीं, तो खाना पीने के लिए थोड़ा सा रुकना है। कहाँ बैठना है? उससे बढ़िया छत पर बैठ जाता आप, हैं ऊपर ही बैठ जाता, इतना ही बैठने का शौक है। अच्छा ये वाला मेरे पास प्रॉब्लम एक है, क्या ना लेडीज सनग्लास यूज़ नहीं करता हम लोग,
ठीक है। कैसा था राइड? अरे वाह क्या बात है, बाल ज्यादा बड़ा हो गया दादा, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। इतना बड़ा ये भी तो नहीं कहा उम्र भाई आपको, आपकी उम्र तो मेरा से भी कम है। अरे नहीं। कौन बोलेगा? ये दाढ़ी काटा लो अभी, मैं दाढ़ी काटा लो। आपने झूठ क्यों बोला? क्या कल बोला तो मैं नहीं आऊंगा? इतना बड़ा धोखा, ये गलत बात। बात बाकी मैं सिंगल जा रहा हूँ, भाई को भी बैठा दिया कार में, अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है अकेला सिंगल चलाने में। क्या ना पीछे बैठ के बैठता है कोई, तो इतना लॉन्ग टूर पे अच्छा नहीं लगता, सिंगल इज द बेस्ट।